देखते देखते हरे हो जाते। और कहां से पकारा, देखो नाल से, नाले के मैनुअल में से पकारा भाई। ओफो yeah. There's so much of this wax that just collects on the side. Now, भाई इतना ज़्यादा fake milk बिक रहा market में, समझ से बाहर है, पूरे दूध के ऊपर ही है। इसकी ऐसी की तैसी। तो hello guys, assalam alaikum, स्वागत है आप सभी का Amar's Den में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो रहेगा जो अपन लोग वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खा रहे हैं। क्या आपको मालूम कि वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये कहाँ से आ रहे हैं, किसकी क्या हालत, कैसे होते हुए आ रही है फ्रूट्स और वेजिटेबल्स? नहीं मालूम ना, तो ऐसे थोड़े बहुत शॉकिंग वीडियोस दिखाऊंगा मैं। ये नहीं बोलूंगा कि भाई हर बंडी वाला ऐसे फ्रूट्स या वेजिटेबल्स बेच रहा हूँ, मगर ये जब आप देखेंगे तो आप शॉक हो जाएंगे। तो अगर आप खाते हुए वीडियो देख रहे हैं तो मत देखिए, खाने के बाद देखिए, खाने से पहले देखिए। नाउ वी विल स्टार्ट विद दिस शॉकिंग वीडियो। पीले मटर देखते देखते हरे हो जाते। आप लोग बोल रहे हाँ भाई फूड कलर होगा, फूड कलर नहीं है। जब जानेंगे ना आप कलरिंग एजेंट क्या है, तो जब तस्वीरें आपको चौंका देंगे। तस्वीरें गवाह है। परवल जिसे कि लोग बड़े शौक से खाते हैं, परवल की हकीकत जो परवल किसको की? हम आपको दिखाने वाले हैं, वो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि अपने घर आप परवल लाए कि ना लाए। भाई वाटरमेलन के इतने किचियां देखा मैं, भाई रमजान रहो कुछ भी रहो, वाटरमेलन से तो सख्त दूर रह तू मैं। क्यों बोले तो जब ये खाते खांसी या कुछ ना कुछ होता है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई हरे का वाटरमेलन ऐसा है, मगर मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है। तरबूज का एक ऐसा सच, तरबूज लाल नहीं हो रहा तो ऐसा लाल जो शायद आपको तरबूज से नफरत कर दे। कौन सा केमिकल एजेंट था क्या? और सब्जियों के बाद हम आपको दिखाते हैं फलों की हकीकत। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे तरबूज की लाली का राज। अपन लेके आते हैं, वाह क्या लाल दिया भाई तरबूज, मैं उठाया देखो बोलते इसके असली जाने तो फिर छोड़ देते। ये आर्टिफिशियल कलर एरोथ्रेसिन भी होता है, इससे इंजेक्शन के जरिए तरबूज में इंजेक्ट कर दिया जाता है। और अनार का जूस लाल दिखे इसके लिए इसमें रंग मिलाया जाता है। और ये इंडिया टीवी के कैमरे ने वाह अनार, अरे जूस की बंडी तक। जूस पीने वालों की नजर बचाकर अनार में सिंथेटिक कलर डाला जाता है। कपड़े और कागज लाल किए जाते हैं, उसी रंग का इस्तेमाल आपको लाल अनार का जूस देने में किया जाता है। भाई अपन क्या खा रहे पी रहे रोज अगर ये हालत है। ये देखो भाई उन्हें फ्रूट वेजिटेबल्स की बंडी जमा रहा पूरी। और कहां से पका रहा, देखो नाल से, नाले के मैनुअल में से पका रहा भाई। ओफो खिलाजत की भत पारे। अब्बा इसलिए मैं बोला था खाते वक्त मत देखो। गटर में उबलावा, आप समझ रहे एक ही वीडियो है? नहीं ये एक वीडियो नहीं है, सिर्फ और वीडियोस है ऐसे जिधर गटर में लोग जो है ना पकाते। ये देखो डायरेक्ट मंडी के बाजू गटर में। तो इले बंद थोड़ी देर लो नहीं ना। हाँ अल्लाह मार तो ना का इले गटर जा गई नाले में कर रहा है। हाँ ओफो ये इंसान के दुश्मन है या अल्लाह दिमागी सरके हुए नहीं मानो। हालत देखो भाई हालत देखो। इंगती मार तो नोड़ी न्यू और सर और यार हेड़ और केड़ो रिल रहे और ये पीछे मंडी है उसके, मंडी मतलब वेजिटेबल मार्केट। अब आप लोग देख के बोलेंगे हाँ भाई फूड कलरिंग एजेंट मिला रहे होंगे इन लोगों हरा करने के लिए, मगर जब रियल कोई केमिस्ट इन्हें पकड़ता या केमिस्ट जानता कि ये लोग क्या एलिमेंट्स मिला रहे, वो लोग 100% बोलते कि भाई आपके बॉडी को नुकसान दे है। और मतलब अभी सडन इफेक्ट नहीं होता, आगे के जाके जो ऑर्गन्स हुए अपने हाथ देना शुरू करते हैं ना भाई, ऐसे खानों से ही देते हो। कद्दू भी वाह जल्दी तैयार हो। तो आप लोगों को ये नहीं पता है कि ये जो काम है ये ठीक नहीं है, सही नहीं है। मालूम तो है कि मजदूरी वर्क करना पड़ता है। देखे ये गार्डनर से पूछ रहे भाई कि आपको मालूम है क्या कि ये नुकसानदेह है? मालूम तो है मगर अब क्या करना, मजदूरी मजबूरी के लिए करना पड़ा कहते भाई। ये मैं सेल्फ एक्सपीरियंस कई साल पहले करता था, मगर आप जो फ्रूट्स ले रहे हैं आप अगर नाखून से खिको रहे या कुछ करे तो अब नहीं आ रहा, मगर पहले के टाइम नाखून से खरोच मारो या कोई भी चीज़ से छिलो तो आपको अलग वैक्स निकलता था और ये वैक्स रहेगा। ये इसलिए करते सिर्फ एप्पल शाइनी दिखना और चमकना, लोग उसको फ्रेश देके उठा लेना बोल के।
अब के टाइम जरा कम हो गया, मगर एक 10 साल पहले ऐसा ये बहुत होता था भाई। देखो वो चमक चले आ रही है इसकी, कितना चमक रहा है। और ये वैक्स अपन खाते अपने पेट में जाता, लोग वैसे धो के खा ले के आड़ भाई, मर्दानगी बोलते हैं, बैगन की मर्दानगी। हाँ सिर्फ इंडिया नहीं है बेटा, यूएसए भी है। So I'm going to show you how to get the wax off. You start with hot water. सिर्फ प्लेन हॉट वाटर। And then it should catch in the towel. अम्मा अपने लोगों के लिए इतनी फुर्सत रहेंगी, ऐसा सेब खरीद के कर लेते बैठने। I'm going to collect a little bit in the bottom, but we'll be able to get more of it here. अंदर पूरी चमक चले आती देखो एप्पल की। Let's see what came out of this. Get this dumped out here. Now you can start to see all that collected there at the bottom. I don't know if I'd want to eat everything that's left from the apple. So let's look at what was here. So yeah, there's so much of this wax that just collects on the side. Now I know that I'm sure you can. आप लोग बोल रहे होंगे भाई ये वीडियो में कट्स कितने, कट्स नहीं थे एक्चुअली, वीडियो पानी डालते जा रहा था, बहुत लंबी थी तो मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दिया उसको, तो लिट ये कैसा निकाला भाई मेरे समझ के बाहर है। अपने इंडियन सोपे पर करके देखना ये कैसा होता। तो सोचो अपन रोज क्या करे कैसा करे, इसलिए दबा के भाई वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को मालूम धो बोलते हाथ से। फेक फ्रूट्स मेड इन चाइना, अरे चाइना में क्या असली है भैया बोलो पहले। क्या कलरिंग के लिए डाल रहे होंगे या पकने के लिए, मेरे भी नहीं समझ नहीं आ रहा इसको फेक कैसा बोल रहे लोग। हाँ वैसे चाइनीज है तो फेक हो गया समझो, ठीक है। हाय फ्रेंड्स उनके எல்லாருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள். ये मलयाली आवाज कहीं कोई मगर, अरे वाह। पॉपुलर प्रोडक्ट வந்தாலும் யூட்டிலிட்டி ப்ராடக்ட் வந்தாலும் மக்களா யூட்டிலிட்டி ப்ராடக்ட் வந்தாலும் பிடிச்ச ஒரு ப்ராடக்ட் வந்தாலும் சைனீஸ்க்கு மூக்குல வேர்த்துறோம், இமிடியேட்டா டூப்ளிகேட் பண்ணிடுவாங்க வந்துட்டாங்க. வெஜிடபிள்ஸ்ல எல்லா கடைகளிலயும் ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கிற நாலஞ்சு ப்ராடக்ட்ஸ்ல. அச்சா ஃபோல் பீ பண்ண சிகாரா பையன கேபேஜ் கேசா, அரே வா எப்படி இருக்குமோ அந்த லெவலுக்கு டூப்ளிகேட்டா இவங்க பண்றாங்க, अदर नींगले इन द वीडियो विल पार्ट। इसलिए बोलते हैं देखो चाइना की चीज चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, वो अपन है अपन इंसान है, इनके प्रोडक्ट खाने का चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक रहते सब अपना। ए लगा सिर्फ कैबेज नहीं भाई, वैसे सेम चीज का इन लोग अंडे भी बना रहे। आई एम नॉट श्योर ये कैबेज है या एग क्वीन ला बोल रहे हैं, इनकी कोई डिश है ये जो वैसे टाइप की दिख रही है। अरे नॉर्मल नेचुरल अंडे खाओ ना रे, रे फिर क्या नहीं बीमारी लाते रे चाइना से, ये लो बन गया अंडा खा लो। ऑनलाइन में बोतल में क्या तानसा से आवा, क्या बात है पके हुए अंडे आ रहे भाई शेल में सीधा। पूरे वैसी है सड़ गए अंडे भी नहीं बोल सकते। और थोड़ी देर रुकते तो अंदर से एक चूजा निकलता था। लेट्स सी कि कैसे बनता है दूध। ये आप देख रहे हैं कि ये केमिकल कितना खतरनाक है, सिर्फ दो ढक्कन बोतल के इसमें डाले गए हैं, एक डेढ़ लीटर बोतल में, और सिर्फ इसको हमने जस्ट हलाना है और ये एक डेढ़ लीटर की दूध की बोतल तैयार। यही तो है कि इमरान खान ने जो है ये जो दौर अब चल रहा है इसमें यंगस्टर को इतनी इजाजत दे दी है कि वो कुछ भी करके इंसानी जानों से खेल सकते हैं। यू कैन सी ये नहीं मालूम ये, मगर एक जमाने में मालूम शैम्पू का दूध बोल के मशहूर होता है, शैम्पू मिला रहे भाई शैम्पू है। तो ये वीडियो की गिच्ची है शायद वो। सावधान ऐसा क्या भाई इतना ज्यादा फेक मिल्क बिक रहा मार्केट में, समझ के बाहर है पूरे दूध के ऊपर ही है इसकी ऐसी की तैसी। चाय बना के दिखा भाई जब बोल सकते ये दूध के लिए, दूध कैसी बेच रहा है कोई और चीज के लिए। वेल टू बी ऑनेस्ट भाई बहुत सारे अपने पास फेक मार्केट में दूध मिलते हैं, ये तो है। इसलिए मालूम आप एक ही दूध के पैकेट हमेशा लाते हो और अलग अलग किस्म की चाय बनती, तो किसमें क्या पाउडर मिक्स भी रहता नहीं मालूम। ये भी बहुत मशहूर क्लिप हुई थी भाई, जानवरों को मारने की जरूरत नहीं, कहते फेक मीट प्रोड्यूस कर सकते। अब ये देखो इन्हें कैसा बनाता। Beginning of a industry that could be as massive or even larger than meat production is right now. Process he believes will revolutionize the food chain. One stem cell at a time. You see now this, the tissue roll in the bottom?
to grow, just as they would inside an animal's body. कैसा खाते आ रहो नेचुरल चीज़ों को छोड़ के, इन्हें फेक टिश्यूज प्रोड्यूस कर रहा जिसकी वजह से एक पूरा फ्लैश या मीट बन सकता कुछ समय के बाद, और वो मतलब जानवरों को मारने की ज़रूरत नहीं, ये आर्टिफिशियल लेके खा सकते कहते बा तू ही खा तू ही मर जा रहे भाई। तो पता नहीं भाई आज के रात का खाना कैसा होने वाला है ये वीडियोज़ देखने के बाद, ये दिमाग से जल्दी निकल गया तो बेहतर है। मगर देखिए अपने वेजिटेबल्स फ्रूट्स को अच्छे से धोइए आप लोग, आप लोग खुद महसूस करेंगे उसके अंदर मतलब कैसे क्या कलरिंग एजेंट्स मार के रखे या अलग ऊपर वैक्स लगावा है, तो जितना हो सके उतना धोए। अपन बोल नहीं सकते कहाँ से कैसा अपने को खाना रहा, अल्लाह रहम करे बस। तो ये थी वीडियो हमारी आज फेक वेजिटेबल्स फेक फ्रूट्स फेक मिल्क के बारे में और ऐसे एडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट्स। तो बस खुदा आपको हमको महफूज रखे ऐसे तमाम चीज़ों से और बी सेफ। क्या बोल सकते आप किसकी किस्मत ऑलरेडी कितने लोग हैं ऐसे खा के नहीं मालूम। तो इंशाल्लाह फिर आऊँगा जल्द एक नए वीडियो के साथ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। अगर आपको भी पता है तो नीचे कमेंट्स में बताइए, प्लीज़ एक लाइक ठोक दीजिए इस वीडियो को, शेयर करिए सब व्हाट्सएप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, बहुत ही ज़रूरी है। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं, बहुत ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हैं मेरे चैनल पर, आप जाके चेकआउट कीजिए। इंशाल्लाह फिर आऊँगा जल्द एक नए वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिए मुझे। टिल देन टेक केयर एंड अस्सलाम वालेकुम।